रांची की जनता के ही पुकार सीपी सिंह बारंबार। नहीं, अभी टाइगर जिंदा है, रांची का टाइगर है। भारी बहुमत से हम लोग विजय होने जा रहे हैं, भारी बहुमत से सरकार भी बनने जा रहे हैं, निश्चिंत रहिए। सीपी सिंह पर एक बार फिर से भरोसा जताया है पार्टी ने, क्या लग रहा है, सही फैसला है? एकदम सही फैसला है। आज रांची की जनता, दो चार दिन से जो घटनाक्रम चल रहा था, रांची की जनता परेशान थी, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हैं जो आप 12 बजे रात में भी खोजिएगा तो घर पर आपके हाजिर रहते हैं। और रांची में जो उन्होंने विकास किया, वो विकास और रांची की जनता को एकदम उपलब्ध हमेशा 24 घंटा रहने वाले जनप्रतिनिधि हैं और हर जनता के दिल पर है, हर एरिया के जनता का व्यक्तिगत ये उनको जानते हैं, या जनता इनको जानती है, और एक हर एक को व्यक्तिगत नाम से एक जनप्रतिनिधि जानते हैं, इसलिए बहुत अच्छा निर्णय हुआ है। और ज्यादा से ज्यादा मत से हम लोग इस बार फिर ज्यादा मत से जीतेंगे। जो उम्मीदें पार्टी ने पार्टी को है सीपी सिंह जी से, इस बार खड़े उतरेंगे लग रहा है? एकदम खड़ा उतरेंगे, लगातार ये 7वां बार है। आखिर क्यों 7वां बार है? अच्छे विधायक है, जनता के बीच रहने वाले हैं, विकास करने वाले हैं, इनके दरवाजा रात भर गेट खुला रहता है, ऐसा विधायक कहाँ मिलेंगे। चलिए देखिए, और लोग हैं सीपी सिंह के आवास के पास, बधाई देने पहुंच रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जानकार लोग हैं। ये जो भरोसा जताया है पार्टी ने, ये जो फैसला है, उस फैसले को आप लोग कैसे देख रहे हैं और क्या लग रहा है, कितना सही फैसला है? बिल्कुल, हम लोग सभी कोई इंतजार ही कर रहे थे, क्योंकि हमारे विधायक जो है, हमारे ये पूरे रांची की जनता के विधायक, और एक एक जन जन इनको चाहता है, इनको पसंद करता है, और सब चाहते थे, पूरी रांची की जनता चाहती थी कि इन्हें ही सीट मिले, और इनको हम फिर से भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, पूरी रांची की जनता मिलकर विजयी बनाएगी। चलिए, क्या कहिएगा दादा, बड़े पुराने लग रहे हैं आप। पुराने लग रहे हैं, और हमारे यही कहेंगे कि रांची की विधायक सीपी सिंह ने, एक एक जनता विधायक समझते हैं अपने आप को, वो सीपी सिंह कभी भी चाहे रात 12 बजे हो या भोरे 6 बजे हो, फोन उठाते हैं, नहीं उठा तो जरूर उनको कॉल करते हैं। चलिए देखिए, बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या कहिएगा? अरे कहना क्या है भैया, इससे अधिक हो क्या सकता है। शेर जिंदा था, है और आगे रहेगा। शेर बरात बता दिया, तो क्या है, उससे कम कहाँ है। टिकट कटने की चर्चा, अरे ये सब हवा था, ये सब हवा था, हवा हवा ही रह भी गया, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। भारी बहुमत से हम लोग विजय होने जा रहे हैं, भारी बहुमत से सरकार भी बनने जा रहे हैं, निश्चिंत रहिए। फिर भरोसा जताया पार्टी ने सीपी सिंह पर, सही फैसला है कि? अच्छा, आपको क्या लगता है? हमको अभी बता दे रहे हैं, हम आपको 7वीं बार भी ये सीट जीत कर देंगे। 7वीं बार भाजपा के झोली में डालने का अगर कोई काम करेगा, रिकॉर्ड बन जाएगा, और अभी भी रिकॉर्ड है, 6 बार लगातार, और 7वीं बार अब की बार। अच्छा, और ये बीजेपी की झोली में सीट चला गया, लेकिन इस बार बोल रहा है कि थोड़ा सा समीकरण बदल गया। कोई समीकरण नहीं है, आप ये हुजूम देख रहे हैं, हुजूम पर एक बार दिखाइए, एक बार प्लीज मेरे आग्रह पे हुजूम दिखा दीजिए। कार्यकर्ताओं का हुजूम है रात में, ठीक है, ठीक ना? क्या क्या क्या, रांची की जनता के ही पुकार सीपी सिंह बारंबार। सीपी सिंह नेता नहीं, जन सेवक के रूप में रांची के जनताओं का कार्य करने का काम किया है, निश्चित रूप में रांची की जनताओं का प्यार 110% रांची से, रांची के लोकप्रिय विधायक, रांची के अभिभावक के रूप में सीपी सिंह। लड्डू मीठा है जी, कितना मीठा है लड्डू? हमेशा मीठा रहा है, आगे भी मीठा रहेगा। मिठास बढ़ाएगी, मिठास बोलते रहेंगे, लड्डू हमेशा मीठा रहा है, आगे भी मीठा रहेगा। ये सीपी सिंह है, अच्छा, ये जनता के बीच रहने वाले नेता है, अच्छा, ये कोई हवा हवाई नेता नहीं है, अच्छा, जिस गली में घुसिएगा ना, उस गली में सीपी सिंह को पर्चे देने का मोहताज नहीं है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो। लेकिन बोले बूढ़ा हो गए, उम्र हो गया, 68 साल उम्र है, तो 68 साल बूढ़ा हो गया। 68 साल में तब तो हम लोग अपना बाप दादा को, बाप दादा को छोड़ देंगे, फिर पार्टी बोल रहे पार्टी अच्छा, युवा से समझ लेते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि युवा को मौका देना चाहिए था इस बार। नहीं, अभी टाइगर जिंदा है, इसीलिए अभी इन्हीं को मौका, रांची का टाइगर है, और रांची के जनताओं के बीच जितना काम किए हैं शायद कोई उतना काम किया होगा, और ये जन जन के नेता है। thefollowup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in